हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्याज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी के व्यापारी से जान लेंगे प्याज का माहौल, एमपी के प्रोडक्शन मंडियों में क्या कुछ अराइवल आ रहा है जी, क्या कुछ भाव खुल रहा है और सोमवार से किस तरह का माहौल रह सकता है जी। मंडी अभी सोमवार वाले दिन ओपन रहेगा या फिर बंद रहेगा, और साउथ का क्या कुछ अपडेट है, साउथ में अभी गाड़ियाँ कितना निकल रहा है जी नया प्याज का, और अभी कितने दिन बाद उधर अराइवल नए प्याज का बढ़ेगा, ये सारा जानकारी देंगे जी कॉलिंग के माध्यम से। तो बने रहे इस वीडियो में। हेलो सर। जी सर। नमस्कार जी, कैसे हो। नमस्कार भैया। सर जी, एमपी के मंडी के बारे में जानकारी चाहिए था। एमपी में कैसा बाजार चल रहा है, अभी कितना अराइवल पहुँच रहा है एमपी में। अभी कल एमपी की इंदौर मंडी में तो 80-90 हजार कट्टे की अराइवल थी। ठीक है सर। ग्राहक भी बहुत बढ़िया थी। ठीक है। भाव भी बढ़िया था। 35 से 38 रुपए माल बिके हैं कल। 35 से 38 रनिंग बाजार है सर। हाँ हाँ। ओके, और टॉप में क्या देखने को मिला, जैसे मतलब कुछ 38-39 बिका होगा एक आधा लाटा, बाकी ज्यादातर माल 35 से 38 ही है। 35 से लेकर के 38 रुपए। हाँ, 34 से 36 ज्यादा बिका है, 37-38 कम भी क्या। ओके जी। तो सर जी, एमपी में जहाँ मतलब इंदौर मंडी में 45-50-40 इस हिसाब से कट्टे आ रहे थे, और एकदम से अराइवल बढ़ने का कारण क्या रहा सर। एक तो पिछले हफ्ते में राखी की छुट्टियां थी तो मजदूर मिल नहीं रहे थे, तो उस चक्कर में अराइवल कम थी। ठीक है सर। फिर अब सीधे भाव थोड़ा बढ़ गया तो फिर लोगों ने स्पीड से निकालना चालू कर दिया। ओके। पिछले हफ्ते में 5 रुपए डाउन थी बाजार इससे। अच्छा। तो 5 रुपए बढ़ने से उन्होंने फिर स्पीड में निकालना चालू कर दिया। ठीक है सर। तो अभी क्या सर जी, अब जो खुलेगा मंडी सोमवार से, तो क्या अराइवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर थोड़ा सा कंट्रोल होगा जी। अभी एक आध दिन तो अराइवल ठीक रहेगा। अच्छा। क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी भी है तो इसलिए भी कल अराइवल ज्यादा थी। ठीक है जी। पर अभी समझ लो कि मंगलवार को भी अराइवल ठीक रहेगा, इस हफ्ते में ठीक रहेगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा अराइवल, इतना नहीं रहेगा। अच्छा। मतलब इधर से ले लो, मतलब अभी जो एक हफ्ता थोड़ा सा अराइवल मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक आ सकता है, फिर उसके बाद दोबारा कम हो जाएगा। हाँ, अभी अगले इस हफ्ते में तो अराइवल ठीक रहेगा, फिर बाद में थोड़ा कम होगा, इतना अराइवल नहीं रहेगा, 50-60 हजार कट्टे चलता रहेगा। अच्छा जी। और सर जी, रतलाम मंडी के साइड का कुछ अपडेट है क्या, उधर के साइड में क्या कुछ अराइवल। रतलाम मंडी अभी कल परसों और 3 दिन बंद है अभी। अच्छा जी। हाँ, वहाँ पे भी अराइवल 200-300 ट्राली हो रही है। 200-300 ट्राली। हाँ। ओके। और सर जी, अभी जो एमपी में मतलब देखने को मिला कि जो एमपी का जो प्याज था बीच में ठीक ठाक हो गया था, फिर दोबारा से इनका क्वालिटी गड़बड़ आया, तो कारण। नहीं, क्वालिटी अच्छा भी आ रहा है, हल्का भी आ रहा है। ओके, मतलब दोनों टाइप के क्वालिटी आ रहे हैं। हाँ। और जो चोपड़ा टाइप के जो प्याज है, जो सुपर क्वालिटी के चोपड़ा है या फिर जो एकदम हल्का है चोपड़ा में, तो उनका क्या भाव है सर। वो 10 रुपए से 25 रुपए तक बिक रहा है, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। अच्छा, 10 से ले। एकदम दागी माल है वो 10 रुपए, और जो सूखा माल है। ओके, जो सूखा है वो 25 रुपए, एकदम दागी वाला जो है वो 10 रुपए। और उल्टी पुल्टा का क्या भाव है सर। गोल्टी गोल्टा भी अच्छा भाव है, 32 रुपए से 36 रुपए भाव है गोल्टी गोल्टा का, 32 से लेकर के 36 का भाव है। और सर जी, अभी साउथ का अपडेट है क्या आपके पास। साउथ की भी प्याज अब 2 दिन बारिश हुई थी तो उससे थोड़ा लेट हो गया है। ओके। मतलब चालू हो जाएगा साउथ का भी। ठीक है। तो अभी साउथ एरिया में ही अभी मान लो अभी बारिश नहीं हुआ तो फिर वहाँ सर एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। साउथ का जो माल है ना जी, वो अभी बारिश नहीं हुआ तो फिर चालू हो जाएगा, तैयार है। ठीक है जी। के मंडियों का अराइवल पता है क्या, जो नया प्याज अभी निकल रहा है थोड़ा बहुत भी, तो उधर की मंडियों में कितना अराइवल हो रहा है। गाड़ी की अराइवल है अभी, लेकिन बारिश खुल जाएगा ना, वहाँ बारिश नहीं होगा तो अराइवल 10-15-20 गाड़ी हो जाएगी। ओके जी। अभी क्या भाव खुल रहा है नए प्याज का साउथ में, कुछ आइडिया। नया प्याज अभी 2 दिन बारिश हुआ है उसके कारण थोड़ा डैमेज आया है। Okay. 32 रुपए से 35 रुपए भाव खुला है, 32 से लेकर के 35। हाँ, लेकिन वो ज्यादा लंबी लोडिंग करने लायक नहीं है माल। ठीक है जी। सर, साउथ का प्याज मोस्टली ज्यादातर किस एरिया में जाता है सर। साउथ का माल सब जगह जाता है, नॉर्थ में जाता है पूरा। ओके।
क्योंकि उसका साइज छोटा होता है ना, तो वो साउथ में थोड़ा कम पकड़ते हैं। ठीक है जी, साउथ में थोड़ा मोटा माल लगता है। अच्छा, और सर जी अभी जो है मतलब बांग्लादेश जो प्याज जा रहा है गोल्टी गोल्टा, तो आपके एरिया से कितना खरीदारी चल रहा है सर? चल रहा है लोडिंग, तो भाई गोल्टा गोल्टी तो सारा बांग्लादेश ही जा रहा है। ठीक है जी, अभी सर जी कुछ अनुमान है क्या जो एमपी में प्याज जो है कितना बचा हुआ है? एमपी में 30-40% तो बचा होगा। 30-40% अभी। ओके, और सर जी ये जो मतलब आप सप्ताह रहेगा सोमवार से लेकर के पूरा शनिवार तक का, तो ये किस तरह का मतलब भाव रह सकते हैं इन सप्ताह में? अब बाजार मतलब यहाँ पे स्टेबल होगा इस हफ्ते में? तो बाजार स्टेबल रहेगा क्योंकि छुट्टियाँ है ना, तो डिमांड रहेगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर जो होगा वो अगले मौसम के ऊपर रहेगा कि क्या मौसम होता है। ठीक है जी। ओके, तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। शॉप नंबर 265 इंदौर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 9977293200। ओके जी, थैंक यू सर।